लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी, ओवैसी ने यह बात कही। ओवैसी का यह बयान सामने आया है, बाबरी मस्जिद छीनी गई, ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे। ओवैसी ने यह बात कही है, सारी पार्टियां मुसलमानों को डरा रही हैं, 1991 के कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ये बयान देते हुए नजर आए हैं, उन्होंने ज्ञानवापी सर्वे को लेकर आज ये बड़ा बयान दिया है। साफ कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी, बाबरी मस्जिद छीनी गई, ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे, सारी पार्टियां मुसलमानों को डरा रही हैं। इसके साथ ही 1991 के कानून का हवाला दिया, 1991 के कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, यह भी कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं। और इस बीच आज जब सर्वे का काम शुरू हुआ, आज पहले दिन का जो सर्वे था, वीडियोग्राफी थी, वो मुकम्मल हो चुकी है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद, तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे। नहीं, तुम नहीं बचाओगे, हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भिजाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा है। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकत इसमें बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। ये बताना चाह रहे हैं कि आज की कार्रवाई कोर्ट कमिश्नर के द्वारा पूरी की गई है, कल भी ये सर्वे जो है जारी रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, आदर्श माहौल में आज की कमीशन की कार्रवाई पूरी हुई है। धन्यवाद। देखिए, मैंने कहा ना, सर्वे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है, और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ कुछ ही नहीं, देखिए कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट विपक्षियों का अपना पक्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, माननीय न्यायालय उस पर क्या करता है, ये न्यायालय की प्रक्रिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस बहुत कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है, मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ, और कल के लिए क्या बचा है? देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए प्लीज प्लीज, कल के लिए इतने दिन से जो आप मुहिम चला रहे थे वो चीजें आपको मिली हैं जो आप बता रहे थे टेलीविजन? बस मिली, और हम सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ खंडित किया गया है, कुछ हिस्सा खंडित किया गया है, इसके बारे में माननीय वकील और अधिवक्ता जनता महोदय बात करेंगे। बस इतना ही, जितना प्रसंग काम करो। तस्वीरें आप दिखा रहे थे सोनलाल जी, वही तस्वीरें दिखी अंदर? 100% 100% सर। कैसे सर कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई बहुत व्यवस्थित, बड़ी अच्छे 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई।
और बहुत अच्छे ढंग से चला है, कहीं कोई व्यवधान नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सहयोग कर रहे हैं, सारे पक्ष ने सहयोग किया और व्यवस्थित सुचारू ढंग से हुआ। पक्ष विपक्ष जो थे वादी प्रतिवादी दोनों के भरपूर सहयोग रहा है, सर्वे की सर्वाई शांतिपूर्ण चली है, शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सर्वे के बारे में यह रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है, न्यायालय का आदेश है कि जो ऐसा कुछ करेगा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसा प्रश्न आप लोग ही न करें।